ये जो इमरती है वो वाकई में बहुत ही लाजवाब है। हेलो एवरीवन, मैं हूं निकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज मैं आया हूं 100 साल पुरानी दुकान इमरती का मज़ा लेने। और मैं बता दूं, ये इमरती उड़द की दाल से बनती है और ये 100 साल पुराना दुकान है। और ये जगह पटना सिटी सेल्स टैक्स ऑफिस गुजरी बाजार के सामने मिलेगा आपको, और बूढ़े बाबा बनाते हैं। और ये दुकान का आप अगर देखें तो कोई नाम नहीं है, ये इमरती शॉप से, इमरती बाबा से फेमस है पूरे पटना सिटी में। ऐसा इमरती कहीं नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं बाबा बना रहे हैं, और अभी मैं बाबा से जानूंगा कि इसका प्राइस क्या है और कैसे बनाते हैं ये, और इसकी क्या खासियत है। इमरती की खासियत क्या है बाबा, और कितने साल से आप बना रहे हैं? हम करीब 45-50 वर्ष से बना रहे हैं। और मैं सुना हूँ कि ये दुकान 100 साल पुराना है। हमारे बाबूजी, उनका नाम था स्वर्गीय सीताराम शाह, पहले वही बनाते थे, उसके बाद हम। और इमरती कैसे बनती है और क्या क्या डालते हैं आप, और क्या खासियत है वो मुझे बताइए। ये उड़द के दाल का बनता है, और इसकी खासियत है कि 24 घंटा कुरकुरा रहता है, मुलायम नहीं होता। और उड़द की दाल आप मुझे दिखा सकते हैं, इसका मिक्सचर कहाँ रखते हैं, कैसे बनाते हैं? एक बना के दिखाइए कैसे बनाते हैं आप ये। और इमरती की कुछ खासियत? कोई खासियत है कहाँ ना, कि उड़द का दाल का बनता है और 24 घंटा कुरकुरा रहता है, मुलायम नहीं होता है। और लोग जलेबी और इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इमरती ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? जलेबी मैदे का बनता है, ये उड़द का दाल का बनता है। और पूरे पटना सिटी में एक आप ही हैं जो इमरती इतना लाजवाब बनाते हैं? हाँ, उड़द का दाल का ही हम बनाते हैं, और कहीं नहीं मिलता है उड़द का दाल। अच्छा, बस एक आप ही हैं जो उड़द की दाल के बनाते हैं। और कितना प्राइस रखे हैं, दाम क्या रखे हैं इसका? ये 60 रुपये पीस बिकता है, और 280 रुपये किलो। एक पीस 60 रुपये? 7 रुपया। 7 रुपये? हाँ, 7 रुपीज़। 7 रुपीज़ एक पीस 7 रुपये। और कितना रुपए? 280 रुपये किलो। 280 रुपये किलो। तो अभी मैं खाऊंगा इमरती जो बाबा देंगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका स्वाद वाकई में लाजवाब है या कैसा है। मैं आपको टेस्ट करके अभी बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 इमरती दिया है बाबा ने, और एक पीस 7 रुपये है। जी हाँ, एक पीस 7 रुपये है, और उड़द की दाल से बनता है ये, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। लोगों से सुना है कि पटना सिटी में एक बाबा ही हैं जो इमरती बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो टेस्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा है, और मैदे का नहीं है तो सोचना भी नहीं है खाने वक्त कि पेट ख़राब हो जाएगा या कुछ। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये टूट रहा है, एकदम कुरकुरा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा खाने के बाद कि ये लाजवाब है या नहीं, तो मैं बता दूं, ये जो इमरती है वो वाकई में बहुत ही लाजवाब है। इसकी चाशनी में भी अलग सा बात है, जो कुरकुरा सा टूट रहा है अंदर और उसके बाद चाशनी बाहर आ रहा है, वो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, मज़ा आ गया खा के। तो आज आने का यहाँ का मकसद पूरा हो गया, जो दुकान 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हो, और वहाँ आके अगर इमरती का स्वाद चखने, स्वाद टेस्ट करने अगर मिले तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और ये जो इमरती थी वो वाकई में बहुत ही मज़ेदार, कुरकुरा और स्वादिष्ट थी। तो बस मैं बोलूँगा कि मैंने तो मज़ा ले लिया, आप भी आएँ और इमरती का स्वाद चखें। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और हमारे इंस्टा आईडी फूड बुखारों को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।